क्यों किया रजत और श्री ने मिलकर अर्श और आशिका को जली? क्या रजत बोलेगा सभी को सॉरी? कैसे ये डीएनए टेस्ट बदल देगा सभी और रजत के कड़वे रिश्ते? स्टार प्लस की सीरियल गुम है किसी के प्यार में इस समय गणेश चतुर्थी के कारण हमें देखने को मिलने वाला है काफी ही हाई वोल्टेज ड्रामा। जी हाँ, क्योंकि इस शुभ अवसर पर होने वाला है एक ऐसा खुलासा जिसके बाद सीरियल में आपको देखने को मिलेंगे काफी ही पॉजिटिव बदलाव। बताते कि गणेश विसर्जन पर सभी और रजत के बीच ढोल कंपटीशन होगा जिसमें रजत सभी को हरा देगा। हालांकि इसी बीच सभी के पास डीएनए रिपोर्ट्स आ जाएंगी जिसमें लिखा होगा कि सई ठक्कर रजत ठक्कर की ही बेटी है, जिसे पढ़ने के बाद सभी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं होगा, जिसके चलते सभी ये सच रजत को बताएगी, जिसे पढ़ने के बाद रजत खुशी से पगला जाएगा और अपनी बेटी सई के साथ खूब प्यार और डांस करता हुआ नजर आएगा। सभी रजत और सई को ऐसे देख कर काफी ही खुश होगी। लेकिन इसी बीच रजत सभी को थैंक यू कहने की कोशिश करता नजर आएगा। लेकिन बता दें कि सभी रजत के शक करने वाली हरकत पर काफी ही गुस्सा होगी। इसके बाद वो रजत को काफी ही भला बुरा कहेगी। ऐसे में रजत भी अपनी गलती को एक्सेप्ट करेगा और साथ ही सभी से सही के साथ ऐसे बिहेव करने के लिए सॉरी कहेगा। हालांकि सभी का गुस्सा सातवें आसमान पर होगा, इसलिए वो रजत से अपनी ये नाराजगी जारी रखेगी। लेकिन बता दें कि आने वाले एपिसोड्स में आप देखेंगे कि ये मामला पूरे ठक्कर परिवार के सामने आ जाएगा, जिसके बाद श्री अर्श और आशिका की अकल ठिकाने के लिए एक जबरदस्त प्लान बनाएगी। वहीं दूसरी ओर हालातों से बेफिक्र अर्श और आशिका इंटरव्यू देते हुए नजर आएंगे, जहाँ चित्रा आशिका का एक दुखियारी माँ के तौर पर इंटरव्यू ले रही होगी। लेकिन इसी बीच वहाँ पर श्री और लकी पहुँच जाएंगे, जहाँ पर श्री करने वाली है आशिका को काफी ही बेइज्जत। इतना ही नहीं, वो तो आशिका पर काफी ही सारे इल्जाम लगाती हुई नजर आएगी। लेकिन अर्श अपने प्लान पर पानी फिरते देख काफी ही गुस्से में आ जाएगा, जिसके बाद वो श्री को उसके घर से जाने के लिए कहेगा। लेकिन श्री उसकी एक नहीं सुनेगी, वो तो बस आशिका को नीचा दिखाना जारी रखेगी। लेकिन फिर अर्श अपनी हदों को पार कर देगा और श्री को धक्का दे देगा। फिर इसी बीच वहाँ पर रजत की एंट्री होगी, जहाँ आप देखेंगे कि अर्श की इस हरकत के बाद रजत खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा और वो अर्श का कॉलर पकड़ लेगा, जिसके बाद दोनों के बीच काफी ही बड़ा झगड़ा हो जाएगा। लेकिन बता दें कि अर्श अपनी आदतों से मजबूर होगा, जिस वजह से वो रजत को सच बाहर लाने की धमकी देता हुआ नजर आएगा। लेकिन इस बार रजत अर्श को उसके मकसद में कामयाब नहीं होने देगा। जी हाँ, क्योंकि वो अर्श को डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट्स को दिखा देगा, जिसे देखकर अर्श गुस्से में आग बबूला हो जाएगा और वहीं रजत अर्श को जलील करता जारी रखेगा। लेकिन अब ऐसे में ये देखना तो काफी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या रजत के दिल में आ जाएंगी सभी के लिए प्यार वाली फीलिंग्स, क्या उनका ये खटास से भरा रिश्ता लेगा कोई नया मोड़, क्या होगा सीरियल में नया, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस सीरियल से जुड़ी सभी खबरों के लिए फॉलो और सब्सक्राइब करें इंस्टा फीड को।